राजस्थान की राजनीति में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद से ही बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक समय था कि राजस्थान की राजनीति अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के आसपास ही घूमती रहती थी। राजस्थान में पिछले कई सालों से दोनों नेता राजे और गहलोत ही कब्जा जमाए हुए थे, लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की हुई जीत के बाद से ही भाजपा के आलाकमान ने राजस्थान की राजनीति का पूरा खेल ही बदल दिया। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कई खासा परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आया, ऐसे में राज्य की राजनीतिक शक्ति अभी भी अशोक गहलोत के हाथ ही है। दरअसल पहले हर 5 साल में एक बार वसुंधरा तो दूसरी बार गहलोत के हाथ ही सत्ता रहती थी, लेकिन अब इस परिपाटी को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ पर्ची से जब भजन लाल शर्मा का मुख्यमंत्री को लेकर नाम लिया गया तो सभी लोग दंग रह गए। हालांकि इससे पार्टी में यह मैसेज गया कि पार्टी में किसी भी सदस्य को जगह मिल सकती है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में किसी भी तरह का किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन भाजपा के इस फैसले से वसुंधरा राजे के राजनीतिक करियर पर बड़ा असर देखने को मिला। अब शायद ही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का पद दोबारा मिल सकता है। हालांकि वसुंधरा राजे आए दिन केंद्र को अपनी ताकत का एहसास कराती रहती हैं। वहीं वसुंधरा राजे को लेकर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपने क्षेत्र की जनता का आभार जताने के लिए अपने बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के साथ झालावाड़ में अपने पैर जमाए हुए हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस दौरे के जरिए अपनी पकड़ और मजबूत करने के साथ ही केंद्र को अपनी ताकत दिखा रही है। बता दें कि झालावाड़ जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति से राजे को साइडलाइन करने के बाद वह अपने बेटे के इलाके में ही जनता का आभार जताते हुए एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। हालांकि पार्टी के लिहाज से वसुंधरा राजे कहीं भी सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। बता दें कि वसुंधरा राजे की नाराजगी उस वक्त ही सामने आ गई थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची वसुंधरा राजे को थमाई थी। जब राजे ने पर्ची को खोलकर देखा तो उसमें उनके चेहरे के भाव ही बदल गए। लेकिन ये पार्टी का फैसला था, ऐसे में इसके खिलाफ जाना वसुंधरा और उनके बेटे दुष्यंत सिंह के लिए भारी पड़ सकता था। हालांकि वसुंधरा राजे की एक्टिव नजर नहीं होने के कारण पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं झालावाड़ और बारा की बात करें तो यहाँ वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दबदबा बरकरार है। यहाँ पार्टी पूरी तरह से राजे के प्रभाव में है। वसुंधरा के बिना ये पार्टी को सफलता मिल पाना असंभव है। गौरतलब है कि इस लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 5वीं बार पूर्व सीएम राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके बाद दुष्यंत सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को चुनावी मात दी थी। हालांकि अपने बेटे की जीत को लेकर राजे ने झालावाड़ में ही पड़ाव डालकर वोट मांगे थे। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के बाद राजे और दुष्यंत सिंह जनता का आभार जताने के लिए झालावाड़ जिले के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि वसुंधरा राजे को अब बीजेपी आलाकमान मना पाएगी या नहीं, यह तो समय बताएगा। या फिर हो सकता है वसुंधरा को बीजेपी का आलाकमान शीर्ष नेतृत्व में जगह लेने की तैयारी में जुटे हो। ये समय के साथ सब पता चल जाएगा।